पूरे हरियाणा में अध्यापक दिवस के मौके पर सभी अतिथि अध्यापकों ने हमारे संगठन द्वारा पूरे हरियाणा के अंदर जो हमें कहा गया कि हम काली पट्टी बांधकर इसका विरोध प्रदर्शन करें, ये हम सरकार के विरुद्ध अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं कि पिछली 13 सालों से हम लगातार स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, आधी रोटी खाकर गुजारा कर रहे हैं। सरकार ने हमें बार बार आश्वासन दिया, पिछली सरकार ने भी बार बार आश्वासन दिया, हमारे साथ वादा खिलाफी की और हम उसके बावजूद भी हम स्कूलों में निरंतर पढ़ा रहे हैं। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी करी है कि उसको जल्दी से जल्दी इस अपने होश में आए और हम सब अतिथि अध्यापकों को पक्का करें और जब तक पक्का नहीं करते हैं हमें समान काम समान वेतन दे। विभिन्न सरकारें आई, कांग्रेस सरकार आई, अब बीजेपी सरकार आई। बीजेपी सरकार ने तो हमारे साथ वादा किया था, अपने घोषणा पत्र में भी हमें परमानेंट करने की बात कही थी, लेकिन आज 13 साल हो गए हैं जो कि सभी अतिथि अध्यापक भुगत रहे हैं और जो कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इस अन्याय के खिलाफ हम आप समय समय पर आवाज़ उठाते हैं और सरकार हमें फिर झूठे वादे करके हमारी आवाज़ को दबा देते हैं। हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि हमारी पीड़ा को समझे। हम पिछले 13 सालों से इन स्कूलों में कार्यरत हैं। हम सरकार से फिर अनुरोध करते हैं कि हमें जल्द से जल्द समान काम समान वेतन दे। धन्यवाद।